पेज पर डाल होंगे, तो यहाँ पे आपको डालना है नेम और आधार, इसमें लिखा हुआ है आप देखिए नेम एस पर आधार, तो जो आपका आधार कार्ड में नेम है वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ वही डिटेल आपको फिल करना है, और आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो। ठीक है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर याद रखिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। ठीक है, और मैं अपना ओटीपी फिल कर देता हूँ, जैसे ओटीपी फिल करेंगे, ओटीपी करने के बाद यहाँ टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे या नेक्स्ट विंडो में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे रिडायरेक्ट करेगा आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, ये मेरे यहाँ नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस चक्कर में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। ठीक है, आप यहाँ पे विजिटल आईडी भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आधार या विजिटल आईडी में तो आपको आधार नंबर भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है, मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, तो डिटेल यहाँ पे पर्सनल है इसलिए मैं शो नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करो सबमिट पे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, जो आपका आधार नंबर से लिंक रहेगा उसी नंबर पे आपके पे ओटीपी आएगी, जो कि यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी ओटीपी फिल कर दी है, और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आप, ये आपको नेक्स्ट में रिडायरेक्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल वर्क नहीं है, आप 5 मिनट में आपका क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का। ठीक है, ये जैसे सबमिट करूंगा, और ये देखिए नॉमिनी डिटेल्स मांगेगा, इस पे FT करने का बोलेगा इसमें, तो सॉरी देखिए मैंने यहाँ पे नॉमिनी डाल दिया है, आप किसी का भी डाल सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, फादर मदर सोन, सपोज यानी वाइफ हस्बैंड, मतलब जो भी है उसका नाम यहाँ सपोज में आएगा, वाइफ जैसे करोगे तो आप इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सपोज में करके नहीं इसको प्रोसीड कर दूंगा, मैंने पहले इसमें डिटेल कर दी थी इसलिए यहाँ पे भरा हुआ आ गया था। तो यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, आप कितना पैसा इसमें डिपोजिट करोगे आपके अकाउंट में, तो मतलब उसी हिसाब से इसकी लिमिट सेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए सेट है इस पे, तो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी पर मंथ, इसका 1%, मतलब इसमें लोअर की मार्केट के साथ मतलब आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, और पैसे प्रोसेस को प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर डाल देता हूँ अपना, इसलिए 1 लाख रुपए आया है, तो आपको कम डालना है, तो स्टार्टिंग
यहाँ से नहीं डलता है, ये आप चेंज कर सकते हो इसकी लिमिट को, ठीक है। और आप जैसे फिक्स डिपॉजिट इसमें जो करोगे आप, उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। यह यहाँ पे देखिए, ये 7.25% इसका मासिक ब्याज मिलेगा आपको, 7%, ठीक है, जो आपका डिपॉजिट करोगे उसका मंथली, ये सालाना रहेगा, एक मंथ में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी आप अमाउंट करोगे उसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको सालाना मिलेगा ये।